Hello everyone, myself Zehra Batul and I have got admission in Jawaharlal Nehru Medical College of AMU. बहुत सारे मेरे बायोमेंटर्स के फ्रेंड्स मेरे से प्रिपरेशन स्ट्रेटजी शेयर करने को कह रहे थे, सो आई वुड लाइक टू शेयर माय प्रिपरेशन स्ट्रेटजी विद यू ऑल. सो सबसे पहले हम फिजिक्स से स्टार्ट करते हैं कि आपको कैसे पढ़ना है. तो पहली बात यह कि आपको जब आप वीडियो लेक्चर सुनते हैं तो आपको फोकस रहकर सुनना है और नोट्स प्रिपेयर करते रहना है. और जब आप सेल्फ स्टडी के लिए बैठते हैं तो आपको उन नोट्स को रिवाइज करना है और उन नोट्स से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं वो आपको अपने बुक से सॉल्व करने हैं और डेली प्रैक्टिस शीट सॉल्व करनी है. और एक काम और आपको करना है कि आपके जो क्लास में नोट्स होते हैं आप खुद को उनको मिनिमाइज़ करना है. वो लास्ट मिनट रिविजन के लिए आपको ऐसा करना है. अब आप ये कैसे करेंगे, नोट्स को मिनिमाइज़ कैसे करेंगे, तो उसके लिए आपको जैसे देखते हैं कि आप लोग जैसे आप फिजिक्स में कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं तो आप उसकी डेफिनेशन भी आपको वीडियो में जो आप सुनेंगे तो उसमें आपको सर पढ़ाएंगे और थोड़े से कुछ बहुत ही हाई लेवल के क्वेश्चंस लास्ट में कराएंगे. तो आपको उन नोट्स को मिनिमाइज़ ऐसे करना है कि कुछ जो बहुत ही कुछ प्रीवियस ईयर पेपर्स को आपको एनालाइज़ करना है और जिस लेवल की चीज़ें पूछी जा रही हैं उसमें, जैसे जो बेसिक डेफिनेशन होगी बहुत ज़्यादा वो नहीं पूछी जाएगी, कुछ बहुत हाई लेवल के क्वेश्चंस होते हैं वो कम पूछे जाते हैं. तो आपको उन चीज़ों को हटाकर आपको अपने शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करने हैं लास्ट मिनट रिविजन के लिए. और आपको बहुत सारे फिजिक्स में क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं. जब आप किसी क्वेश्चन में स्टक हो जाते हो तो आप उसको मार्क कर लो और फिर उसको फिर से सॉल्व करने की कोशिश करो, नेक्स्ट डे सॉल्व करो, थर्ड डे सॉल्व करो, उसको बार बार सॉल्व करो ताकि वो आपके टिप्स पर हो जाए. और फिर यही है कि फिजिक्स में आपको बार बार क्वेश्चंस को भी रिवाइज करते रहना है ताकि आपकी स्पीड और एक्यूरेसी बढ़े. फिजिक्स तो बस बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने से ही आती है. और जो आपके क्लास नोट्स हैं आप उनको रिवाइज करते रहें और लास्ट मिनट रिविजन के लिए शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करते रहें. और केमिस्ट्री में स्टार्ट करते हैं तो केमिस्ट्री में सबसे पहले फिजिकल केमिस्ट्री. तो फिजिकल केमिस्ट्री में आपको फिजिक्स की तरह ही पढ़नी होती है. जैसे जो वीडियो से आप नोट्स प्रिपेयर करेंगे फिर आप उन नोट्स से शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करेंगे जिसमें कुछ चीज़ थोड़ा सा आपको उसको मिनिमाइज़ करेंगे. जो बहुत बेसिक चीज़ें एग्जाम में नहीं आती हैं वो आप हटा देंगे. जो इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं जो बहुत ज़्यादा पूछी जा रही हैं, जिस टाइप की चीज़ें आ रही हैं वो आप उन शॉर्ट नोट्स में ऐड ऑन कर लेंगे. और फिजिकल केमिस्ट्री में भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करते रहना है. फिर हम बात करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की. तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको एनसीईआरटी अच्छे से करनी है और एनसीईआरटी में कुछ प्रीवियस ईयर एनालाइज करके आपको देखना है कि क्या क्या चीज़ें ज़्यादा पूछी जा रही हैं. कुछ चीज़ें होती हैं जो बहुत ही कम पूछी जाती हैं या नहीं पूछी जाती हैं. तो जो चीज़ें ज़्यादा पूछी जा रही हैं आपको उनको हाईलाइट करना है एनसीईआरटी में और उनको मतलब ज़्यादा रिवाइज करना है. बाकी चीज़ें भी आपको पढ़नी है लेकिन उनको आपको बहुत ज़्यादा रिवाइज करना है ताकि वो एकदम टिप्स पर रहें. और फिर लास्ट में आपको प्रॉब्लम ना हो, आप जो है उन हाईलाइटेड पॉइंट्स को रिवाइज करके लास्ट के 5 दिनों में आप अपना पूरा कोर्स कवर कर लें. फिर हम बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की. तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 2 पार्ट्स होते हैं, पहला जीओसी वाला और दूसरा पार्ट 2 जो हमारी 12th क्लास की बुक होती है. तो जो जीओसी वाला पार्ट है उसमें आपको नोट्स अच्छे से करने हैं और खूब सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं क्योंकि उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस के बिना काफ़ी मिस्टेक हो जाती है. और जो पार्ट 2 है उसको आप एनसीईआरटी से आप अच्छे से कर लें क्योंकि उससे सीधे सीधे एनसीईआरटी में जो रिएक्शंस लिखी हैं कई बार वो आ जाती हैं. 2018 में भी आई थी, 2019 में भी एकदम सीधा सीधा रिएक्शन आ गई थी उससे. तो एनसीईआरटी की जैसे आप पार्ट 2 जो एनसीईआरटी और ऑर्गेनिक की बुक आप कभी कभी ऐसे पढ़ लीजिए कि जैसे आपने बुक उठाई और जब और आपने सारी रिएक्शंस देख ली और रिएक्शंस को पढ़ते टाइम आपने जो जीओसी में मैकेनिज्म्स पढ़े थे आप उससे रिलेट करें कि इन रिएक्शन में इसके बाद क्या क्या हुआ, ये रिएक्शन है तो नेक्स्ट स्टेप क्या है इसमें. और आप उसको रिएक्शंस को इतने अच्छे से रिवाइज कर लें कि वो एकदम आपके टिप्स पर रहें. और कुछ चीज़ें होती हैं जैसे ऑर्गेनिक के पार्ट 2 में कुछ ऑर्डर्स होते हैं तो वो पूछ लिए जाते हैं तो आप उनको हाईलाइट करके रखें क्योंकि कुछ जैसे रिएक्शन की कुछ चीज़ें जैसे रिएक्शन को एक्सप्लेन किया गया है बहुत ज़्यादा लंबे पेज में तो वो आपको पता होता है, वो आप माइंड में रिकॉल कर सकते हो, उसको बार बार रीड करने की ज़रूरत नहीं होती है. मतलब आप रीड कर लें लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं. तो आप उन चीज़ों को भी इसमें हाईलाइटेड रखें जो आपको बहुत बहुत बार रिवाइज करनी है. फिर हम आते हैं बायो पे. तो बायो में आपको एनसीईआरटी बहुत ही अच्छे से पढ़नी है और डेली प्रैक्टिस शीट सॉल्व करनी है. और एनसीईआरटी में आपको एकदम मतलब अच्छे से अगर आप कोई चीज़ भूल जाते हैं तो आप उसको अपनी वॉल पे पेस्ट कर सकते हैं या बुक में भी एनसीईआरटी में कुछ जहाँ से वन वर्ड क्वेश्चंस बनने की पॉसिबिलिटी होती है आप उनको हाईलाइट करके रखें ताकि लास्ट मिनट में जब लास्ट के 5 दिन बचें तब आपका पूरा कोर्स जो है वो रिवाइज हो जाए.
अगर आप इसी तरह हाईलाइट करके चीज़ों को पढ़ेंगे तो लास्ट के टाइम पे जब आपके पास कम टाइम बचेगा तो आपका पूरा कोर्स रिवाइज हो जाएगा। और क्योंकि आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट किए होंगे तो ऐसा होता है कि 60-70 पेपर्स वहीं से आ जाता है, 60-70% पेपर जो है वो वहीं से आ जाता है जो हमने हाईलाइट किया होता है अपने पास्ट ईयर पेपर्स देख के, जो हमने एक्सपीरियंस करके जो हाईलाइट किया होता है वहीं से पेपर आ जाता है। तो उसमें क्या होता है कि आप फ्रेश माइंड, आपके माइंड में सब फ्रेश होता है, आपने रिसेंटली चीज़ें पढ़ी हुई होती हैं तो आप उनको जल्दी जल्दी मार्क कर लेते हो। फिर कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें हमें सोचना पड़ता है तो वो भी आपके सोच के हो जाते हैं, क्योंकि आपने मैक्सिमम जो 60-70% इंपॉर्टेंट वाला पार्ट था वो आपने जल्दी में कर लिया होता है, जल्दी से कर लिया होता है, आपका हो गया होता है क्योंकि आपने रिसेंटली उसको रिवाइज किया हुआ होता है। तो इस वजह से सोचने वाली चीज़ों के लिए आपके पास टाइम बच जाता है। और फिर आप एक चीज़ और कि आप टेस्ट बिल्कुल मिस ना करें, टेस्ट देते रहें ऑनलाइन टेस्ट, और फिर और जो टेस्ट में आपकी मिस्टेक्स होती हैं उनके लिए एक कॉपी बना लें, उसमें उसको नोट डाउन करते रहें और उनको देखते रहें कि आपकी कहाँ कहाँ मिस्टेक्स हो रही हैं और उनको हमेशा इम्प्रूव करते रहें, जिससे इन टेस्ट का यूज़ करके आप मतलब इन टेस्ट की हेल्प से आपका इम्प्रूवमेंट बहुत ज़्यादा हो सकता है। और नेक्स्ट थिंग ये है कि आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है, एकदम पॉजिटिविटी के साथ पढ़ाई करनी है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स हो गई या किसी के फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगी कि अगर आपके पास बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं लेकिन आप अपना बेस्ट देते रहें, हर दिन अपना बेस्ट देते रहें, तो बस आप खुद डेडिकेटेड रहें, अपना बेस्ट दें, आपको ज़रूर कोई ना कोई रास्ता मिल जाएगा, एक रास्ता मतलब निकल ही आता है। मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि अगर आपको लाइफ में कुछ प्रॉब्लम होती है या जिनकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो तो आपको लगता है, लेकिन अगर आपके अंदर जुनून होता है, डेडिकेशन होता है, आप मेहनत करते हो तो आपके पास बहुत सारे रास्ते निकल आते हैं। तो बस आपको इसी तरह हर दिन अपना बेस्ट देते रहना है, अपने आप को इम्प्रूव करते रहना है और बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, स्ट्रेस फ्री रहना है और बस ये सोच के पढ़ना है कि अगर मैं आज अपना बेस्ट दे रहा हूँ तो मुझे उसका रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। तो बस हर दिन आपको अपना बेस्ट देना है और इंशाल्लाह आपको रिजल्ट मिलेगा। सो ऑल द बेस्ट टू यू ऑल एंड थैंक यू सो मच।